पठान की एडवांस बुकिंग जब से शुरू हुई है मूवी के टिकट्स के रेट्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन किंग खान के फैंस उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए महंगे से महंगे टिकट्स लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पठान के टिकट्स हजारों रुपए में बिक रहे हैं। वहीं एक फैन ऐसा भी है जो इस मूवी को हिट करने के लिए पूरा का पूरा थिएटर अपने पैसे से बुक कर रहा है। पहाड़ों के बीच स्थित सिद्ध बाबा मंदिर जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं श्रद्धालु। प्रशासनिक अधिकारियों की नहीं पड़ी इस मंदिर पे नजर। रामनगर क्षेत्र के देवराज नगर के पास स्थित पहाड़ों के बीच मंदिर में जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जाते हैं श्रद्धालु। अब देख सकते हैं डांस वाली हड़ताल। इंदौर में कलेक्टर ऑफिस पर 19 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का डांस करते हुआ वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं। शहर की शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में सांसद गणेश सिंह, कलेक्टर अनुराग वर्मा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। जिले के अन्य सभी विद्यालयों में भी कार्यक्रम का प्रसारण छात्र छात्राओं द्वारा देखा गया। ग्वालियर के थाना करहिया पुलिस ने कंजरों के डेरे से 6 ड्रमों में भरी हुई हाथ भट्टी की 60 लीटर अवैध कच्ची शराब व लोहे की भट्टियों में की जब्त। जमीन में गड्ढा कर गड़ा हुआ गुड़ लहन कुल मात्रा लगभग 20,000 लीटर को मौके पर किया नष्ट। ग्वालियर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांगी के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों व अवैध शराब की खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाना सिरोल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, पुलिस ने टोयोटा ग्लैंजा कार सवार 2 तस्कर को 7 किलो 500 ग्राम गांजा सहित पकड़ा। जेल ग्वालियर में बड़े हर्ष का विषय है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि साल भर में 4 बार कैदी होंगे रिहा। 26 जनवरी को लगभग 20 कैदी हुए रिहा। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के 124 पुलिस निरीक्षकों को कार्यवाहक DSP बनाया गया, जिसमें से ग्वालियर जिले में पदस्थ निरीक्षक स्तर के 5 पुलिस अधिकारियों को कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक के रैंक पर पदोन्नति की गई। पहाड़े निस्वार्थ में हरे पेड़ों का किया जा रहा कत्ल। वीरान हो रहा आम का वर्षों पुराना बगीचा। उचहरा तहसील के कोरवारा पंचायत का है मामला। मेन रोड से लगे हरे आम के पेड़ों का कल से शुरू है काटने का काम। स्थानीय लोगों ने हल्का पटवारी सहित उचहरा SDM को मौखिक सूचना दी, लेकिन प्रशासन अभी भी गंभीर नहीं।